स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 100 खबरों के बाद अब बात कोरोना अपडेट की। 18,601 केसेस कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा चिंता दिल्ली ने बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कदम राष्ट्रपति भवन के परिसर और लोकसभा सचिवालय तक पहुंच गए हैं। लोकसभा सचिवालय में हाउसकीपिंग विभाग में काम करने वाले एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाया गया है, तो वहीं राष्ट्रपति भवन के परिसर में रहने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दिल्ली के नबी करीम इलाके में भी 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। मौसम विभाग के कर्मचारी की कोरोना से मौत होने के बाद 10 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। जितेंद्र, राजधानी दिल्ली से सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन में संक्रमण का केस सामने आया है, मौसम विभाग के कर्मचारी की मौत हुई है, अब इसी के अलावा लोकसभा सचिवालय तक संक्रमण की खबरें आ रही हैं। क्या इंतजाम अब इन खबरों के बाद किए जा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, दिल्ली में जिस तरीके से जो वीवीआईपी इलाके हैं उन इलाकों में भी कोरोना का दस्तक इस वक्त हो चुका है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो या फिर लोकसभा सचिवालय हो। अब से थोड़ी देर पहले ये भी खबर पता चली है कि मौसम विभाग के अंदर भी कोरोना का दस्तक हो चुका है, यानी कि एक कर्मचारी की 17 अप्रैल को इसमें डेथ हो चुकी है। यानी कि इस तरीके की खबरें अब आ रही तो दिल्ली में एक चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जितने ज़्यादा हॉटस्पॉट हैं उस इलाके में मूवमेंट अलग अलग जगहों पर हो रहा है। जो बॉर्डर के एरिया हैं उनको भी सील किया गया है, चाहे गाजियाबाद बॉर्डर हो, वहाँ की अगर बात करें तो उसको भी पूरी तरीके से सील किया गया है दिल्ली से आने जाने वालों को लेकर के। तो इस तरीके के एहतियातन कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन में जो एक महिला रह रही थी उसके कोरोना पॉजिटिव के जो केस मिले हैं, इसके अलावा जो लोकसभा सचिवालय में कोरोना पॉजिटिव के केस आए, तो ऐसे केसेज लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता बढ़ाने वाली बात है। देश की राजधानी दिल्ली के मद्देनजर शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन कोरोना को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कोरोना कंट्रोल के लिए पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए कहा है, साथ ही प्लाज्मा थेरेपी को भी बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है। तो लगातार कदम जो है हर दिन के हिसाब से बदल रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, और यूपी सरकार ने यहां पर जो कदम उठाया वो आपको बता रहे हैं। शिवेंद्र इस वक्त मौजूद है और जानकारी के साथ हमारे साथ। अब शिवेंद्र, प्लाज्मा थेरेपी, पूल टेस्टिंग और डिटेल्स इन पर। देखिए मीनाक्षी, ये यूपी पहला स्टेट है जो इसने पूल टेस्टिंग शुरू की। पूल टेस्टिंग मींस रैंडम सैंपल लिए जाएंगे किसी इलाके के और उनके रिजल्ट्स के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से तेजी से टेस्टिंग हो सकती है, ज़्यादा जल्दी लोग पहचाने जा सकते हैं कौन संक्रमित हैं कौन नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर किया जाता है, और ये प्रदेश में शुरू किया गया था। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी देने की भी बात सरकार ने कही है, कहा उस पर जोर दिया जाए। लेकिन इस बीच एक और बहुत खास बात है कि जितने भी हॉटस्पॉट हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर संक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां लगातार योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सख्ती बढ़ाई जाए, किसी तरह की ढील न दी जाए, किसी तरह की छूट न दी जाए। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लोग नहीं बाज आ रहे हैं हरकतों से, वहां पर सख्ती से पेश आने के भी निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार बहुत संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर के, और लगातार इसीलिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अभी अगर बताएं तो प्रयागराज के मामले सामने आया, रायबरेली का मामला सामने आया, और साथ ही साथ जो सहारनपुर में देवबिंद का मामला सामने आया जिसमें बहुत सारी संख्याएं बढ़ गई। बिल्कुल, अब जो ये नए कदम बढ़ाए गए हैं ये वर्तमान परिस्थितियों में कितने कारगर साबित होते हैं ये आने वाले दिनों में हमें पता चल पाएगा। शिवेंद्र इस खबर पर हमें अपडेट कर रहे थे। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का ऋषिकेश में आज अंतिम संस्कार हुआ। लॉकडाउन और राज्य की जिम्मेदारियों की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई मंत्री अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के पिता को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। कल ही आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ। लंबी बीमारी से वो जूझे हैं पिछले कुछ समय में, और आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।